Hello everybody. Everybody knows how to do airbrush makeup? Who knows in the crowd? Only one? So this is a new technique. Where's our model? Please come on the stage. Model ko bulaiye Bhartu ji. Is Hindi is fine or English is fine? Hindi? Okay. So जो मैं एयरब्रश मशीन आपको बताने जा रही हूँ ये C2P प्रोफेशनल मेकअप की है. एयरब्रश, व्हाट इज एयरब्रश? एयरब्रश कि आप हवा में किसी चीज़ को फेस के ऊपर स्प्रे कर रहे हो, तो किसी चीज़ को आप जब स्प्रे करोगे तो क्या होगा, वो स्किन में एब्जॉर्ब करेगी. एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी. तो एयरब्रश मेकअप के लिए जनरली ये सुना जाता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है. लॉन्ग लास्टिंग होने का कारण यही है कि वो फाइनली स्प्रे करके किया जाता है. और स्प्रे के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये निकल रहा है, C2P प्रोफेशनल की तरफ से एयरब्रश मशीन है प्लस इसकी गन है. जब भी हम एयरब्रश करते हैं तो बहुत मैटर करता है उसकी गन के ऊपर कि उसकी गन कितने mm की है. फ्लो उसी के हिसाब से होगा. मशीन आपकी कोई भी हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी जो गन है वो कितने mm की है और उसका फ्लो कितना तेज है और वो स्किन में कितनी एब्जॉर्ब करेगी. जितना फ्लो फाइन होगा स्किन में उतना ही एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा. और इसके लिए जो प्रोडक्ट होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट आप फाउंडेशन अगर इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगी, 1 mm में वो निकल नहीं पाएगी. तो इसकी जो फाउंडेशंस होती हैं दैट इज सिलिकॉन बेस्ड. ऑल ब्यूटिशंस, व्हाट इज सिलिकॉन? जो बेस होता है इस फाउंडेशन का, जो एयर ब्रश में डाली जाती है, उसका बेस होता है सिलिकॉन. सिलिकॉन एक लिक्विड फ्लूइड है जो कि एक शाइनी है, हार्मलेस है, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा अगर स्किन में एब्जॉर्ब होगा. और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, इट्स लाइक ए रबर लाइक. आप लोग अगर बच्चों के निप्पल देखते हो तो वो सिलिकॉन से बने होते हैं. इट्स ट्रांसपेरेंट आल्सो, इतना फ्रेंडली होता है कि बच्चा भी उसे मुंह में डाल सकता है. तो जो एयर ब्रश से मेकअप होता है 90% वो सिलिकॉन मेकअप होता है, अदर इज वाटर. सबसे पहले समर सीजन चल रहा है, एवरीबॉडी इज स्वेटिंग, तो हम कोई भी फाउंडेशन करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे, प्राइमर. बहुत सारे ब्रांड्स में प्राइमर होते हैं जो वाइट कलर में होते हैं. C2P में प्राइमर है ट्रांसपेरेंट, इट्स वाटर लाइक, इसके अंदर मॉइस्चर है और ये स्किन में एब्जॉर्ब करेगा और स्किन का कलर चेंज नहीं करेगा. आई नीड वाटर, सॉरी डियर. सबसे पहले लगाते हैं हम न्यूट्रलाइजर. सबसे पहले बेसिकली तो स्किन क्लीन करते हैं, इसका फेस क्लीन है. आइज बंद. हमने पूरे फेस पे न्यूट्रलाइजर लगाया, इससे क्या हुआ कि पूरी स्किन एक जैसी हो गई. कहीं से ड्राई थी, कहीं से ऑयली थी, अब ये स्किन एक जैसी हो गई. और ये न्यूट्रलाइजर सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी ये है कि इट्स ए वाटर लाइक, स्किन में एब्जॉर्ब करेगा, स्किन को टोन करेगा और ये दिखेगा नहीं. आपके टोनर का काम भी करेगा, आपके प्राइमर का काम भी करेगा. स्पॉन्ज वाटर, क्योंकि समर्स है इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे पैनकेक से. पैनकेक क्या होता है, किसी चीज़ में फिल्म लाइक होता है कि आप पूरी फिल्म बनाने के बाद उसे फ्रेम करते हो तो चीज़ उसके बाहर नहीं आती. इसी तरह से जब हम मेकअप करते हैं, जब हम पैनकेक लगाते हैं तो हम उसकी एक तरह से पैकिंग कर रहे होते हैं. लेकिन अब जबकि समर सीज़न है तो हमारी स्किन में क्या निकलता है, वाटर प्लस ऑयल. ऑयल को रोकने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे पैनकेक. अदरवाइज अगर आप विंटर्स में मेकअप करोगे तो पैनकेक आप लास्ट में भी लगा सकते हो. दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट टू कंट्रोल ऑयल सबसे पहले मैं लगाऊंगी इसमें पैनकेक. कैन यू गिव मी ब्रश निशान? दो मेथड होते हैं, पहला एक कि स्पॉन्ज में हमने लिया पैनकेक और लगाया, अदर मेथड इज ब्रश.
आप ब्रश लेंगे, पैनकेक इक्वली लगाने का बेस्ट मेथड है कि आप इसे ब्रश से लगाओ। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप स्पॉन्ज भी ले सकते हैं। इससे हम स्किन का ऑयल कंट्रोल कर रहे हैं और 5% हम स्किन को कंसील भी कर रहे हैं। इजी टू सी, सबको दिख रहे हैं? पैनकेक फॉर ऑयल कंट्रोल। निशांत, इसमें हमारे पास कितने शेड हैं? 24 शेड्स हैं पैनकेक में। आप स्किन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अभी मैंने येलो टोन ली है क्योंकि थोड़े से एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन है, इसीलिए येलो टोन उठाई गई है। अदरवाइज आप लोग इसमें 24 शेड्स हैं, कोई भी शेड देख सकते हैं। C2P का काउंटर सामने है, आप काउंटर पर जाके देख सकते हैं। जो शेड मैं लगा रही हूँ, इस शेड का नाम है N20। येलो टोन में है, जहाँ आपको पिगमेंटेशन दिखे, कोई स्कार्स लगे, तो आप N20 उठा सकते हैं। आइस क्लोज, इट्स टू फ्रेंडली, आइस के ऊपर भी दे सकते हैं। गिव मी स्पॉन्ज। क्लोज योर आई। टू ऑयल कंट्रोल, वन लेयर ऑफ पैनकेक, लेट इट बी ड्राई फॉर फ्यू मिनट्स। पैनकेक में बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ा सा अंश होता है, जिसकी वजह से एक फिल्म बन जाती है, उसके बाहर चीज निकल नहीं पाती। अगर हमने एक दीवार सी बना दी इसके बीच में, जिससे ऑयल कम बाहर आएगा, और स्वेटिंग के लिए और ऑयली स्किन के लिए पैनकेक वॉश इज द बेस्ट थिंग। इसके बाद आते हैं हम एयर ब्रश गन के ऊपर। एक्स्ट्रा वाटर को सोक करेंगे, स्किन को ब्रश से स्मूथ करेंगे, क्योंकि जब आप पैनकेक लगा रहे थे, मे बी वो कहीं ज़्यादा कहीं कम लग सकता है, तो आप कोई भी एक ब्रश लीजिए। इसमें सिल्वर कुछ लगा हुआ है। पूरी स्किन को हमने इक्वल किया। अब आती है बारी हमारी एयर ब्रश। स्किन टोन के अकॉर्डिंगली हर बंदा चाहता है कि हर इंसान में अपनी टोन से एक टोन फेयर लगो, लेकिन 4 टोन फेयर लगना इज नॉट गुड। 1 टोन और 2 टोन तक ठीक है। हमने इसके लिए लिया है 2 नंबर का फाउंडेशन। पहले उसे गन में डालेंगे, मशीन ऑन करेंगे, कंप्रेशर ऑन हुआ है, नोजल को दबाएंगे। आइस बंद रखिए। आप देख रहे हो कि ये स्प्रे के थ्रू स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक थिन लेयर जाएगी। अब मैनुअली फाउंडेशन लगाते हैं तो एक थिक लेयर जाती है। आजकल जो मेकअप फैशन में है कि कम से कम दिखे, या कई स्किन ऐसी होती हैं कि बहुत खूबसूरत है, हम उसके ऊपर मेकअप करते हैं तो और ख़राब लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्किन्स के लिए सबसे बेटर है एयर ब्रश। देना और फाउंडेशन, जेल लाइनर मंगवा दे। आइसक्रीम, मशीन ऑन।
चेंजेस दिख रहे हैं आपको? यह शायद अच्छा स्क्रीन है, इज देयर। एयरब्रश मशीन से आप पूरी बॉडी फाउंडेशन दे सकते हैं, टैटू बना सकते हैं, नेल आर्ट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द डेमो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ द एयरब्रश मशीन, ये इसका फ्लूड है, हाउ टू अप्लाई। इट्स वेरी गुड, स्किन फ्रेंडली, सिलिकॉन बेस्ड और 100% वाटर प्रूफ, और ये 10 to 12 आवर्स लास्ट करता है। नेक्स्ट हम मेकअप में चलते हैं, वी वॉन्ट टू शो यू द अदर प्रोडक्ट्स। ऑफ कर दीजिए इसे, ट्रांसफ्यूजन पाउडर, गिव मी द पॉलिशिंग ब्रश, स्पॉन। इसमें हमारे पास कितने शेड हैं निशांत? 5 शेड्स, वी हैव 5 शेड्स इन ट्रांसफ्यूजन पाउडर। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ट्रांसफ्यूजन पाउडर? ट्रांसफ्यूजन पाउडर क्या होता है, सब यूज करते हैं हम, बताइए। ट्रांसफ्यूजन पाउडर बेसिकली इट्स अ ट्रांसपेरेंट पाउडर जिसके हम आर पार दे सकते हैं। आजकल एसी में वो कर्टन लगे होते हैं ना, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो ये एक ट्रांसफ्यूजन पाउडर ऐसी ही चीज है, जब हम लगाएंगे तो उसके पिछला मेकअप बेस छिपेगा नहीं। इट्स 2 नंबर, ट्रांसफ्यूजन पाउडर, क्लोज योर आईज। अब आपने देखा बेस में हमने कोई एक्स्ट्रा कंसीलिंग नहीं की है, नेचुरल प्रोडक्ट के थ्रू कंसीलिंग हो रही है। एक्स्ट्रा कंसीलिंग कई बार बाद में स्किन में 10-12 घंटे बाद पैची हो जाती है, इसीलिए जो कंसीलिंग की है नेचुरल प्रोडक्ट के थ्रू। पॉलिशिंग ब्रश, बेस्ट मेकअप वही होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश किया जाए, और पॉलिश के लिए ऑलवेज बेटर द पॉलिशिंग ब्रश। काउंटर में पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। फिनिशिंग पाउडर के लिए वी हैव द टू वे केक। टू वे केक इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसे हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ड्राई एंड वेट। या हम चाहें तो अभी ड्राई भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। अगर हमने एयरब्रश मेकअप नहीं किया हुआ, हम फाउंडेशन मेकअप कर रहे हैं या खाली हम पैनकेक लगा रहे हैं, तो इसे गीला भी लगा सकते हैं, लेकिन एज ए फिनिशिंग पाउडर हम इसे ड्राई भी लगा सकते हैं। Everybody clear? कोई question अभी तक? Any question about airbrush? No? What about cost?
व्हाट इज एयरब्रश? मैंने बताया था मैम, आई विल रिपीट इट। एयरब्रश जब हम हवा से स्प्रे करते हैं, किसी चीज़ को ब्रश करते हैं, आप लोग अपने घरों में देखते हो कि एक अलमीरा को आप ब्रश से पेंट कर रहे हैं, एक को गाड़ियों को स्प्रे पेंट होता है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, फिनिशिंग का डिफरेंस है, इतना ही फिनिशिंग का डिफरेंस एयरब्रश और मैनुअल मेकअप में है आपके। ये स्किन में एब्जॉर्ब होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, इट्स सिलिकॉन बेस्ड, 100% स्किन फ्रेंडली और वाटरप्रूफ है, और इसकी लॉन्ग लास्टिंग एंड शाइन ज़्यादा है। अभी आपने किया इट्स ड्राई, लेकिन आधे घंटे बाद देखोगे इसका सिलिकॉन और शाइन करेगा। ब्लशर, नाउ यू वे ब्लशर पैलेट, आप लोग देख रहे हो इसमें 8 शेड्स हैं। आई एम टेकिंग पिंक वन, जस्ट टू टोन अप, क्योंकि हमने येलो पाउडर चूज किया था तो पिंक टोन देना जरूरी है, अदरवाइज फेस बहुत पेल लगेगा। अभी जस्ट हमने एक टोन दी है फेस को पिंक, एक्चुअल ब्लशर मैं बाद में लगाऊंगी और उसके ऊपर आएगा शिमर पाउडर। उससे पहले आते हैं हम आई मेकअप के ऊपर। आई शेडो ब्रश, पीकॉक कलर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ही इज हैविंग ग्रीन एंड पीकॉक कलर, आईज बंद कर। बिकॉज ये रिसेप्शन ब्राइड है, इसका बोल्ड मेकअप होना चाहिए। सेकेंड शेड दीजिए, इनके दुपट्टे में एक पिंक और फालसा टोन है, सेकेंड शेड फालसा टोन। ब्रश स्पॉन्ज, कॉम्पैक्ट टू वे, गोल्ड पाउडर, वन जीरो टू गोल्ड, ये 102 नंबर का गोल्ड पिगमेंट है जो आप आई बॉल के ऊपर लगाएंगे। हाइलाइटर शेड निकाल देना, हाँ गोल्ड ही दे देना। बोल्ड गोल्ड कलर, अब इसे हम एक स्मोकी लुक देने के लिए विल टेक ब्लैक और इसे मर्ज करेंगे। जो अभी हमने तीनों शेड्स लगाए हैं उसे मर्ज करेंगे। निशांत मेरे को ये कलर देना दोबारा।
पीकॉक देना। इसके बाद आते हैं हम लैशेस के ऊपर, लैशेस देना, आई लैशेस एंड आई लैशेस ग्लो। खोलो इसे, आई लैशेस आप लोग सब लगाते हो, कैसे लगाते हैं? आईलाइनर पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं? नहीं, आईलाइनर हमेशा आईलैशेस से नीचे लगता है और फिर सेकंड कोट में ऊपर लगता है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। आईलाइनर दे दो मेरे को, आईलाइनर ब्रश, आईलाइनर ब्रश देना, आईलाइनर ब्रश निकाल दो। हमारे पास एक है जेल आईलाइनर, जेल आईलाइनर आईज के लिए इतना फ्रेंडली है कि आप इसे एज ए काजल यूज़ कर सकते हो, एज ए आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। आपकी ब्राइड अगर रो भी पड़ी या उसने आंखें भी मल ली तो वो स्मज नहीं होगा, एंड 100% वाटरप्रूफ। आईज बंद करना। एक पहले हल्की सी लेयर लगा के आईलाइनर की छोड़ेंगे और इस आईलाइनर को जब भी आप यूज़ करेंगे इसे आपने उल्टा रखना है, बिकॉज इट्स इन ए जेल फॉर्म और ये वाटर में एयर में आने से ही ड्राई होता है, और अगर वैसे भी एयर में आ गया तो पड़ा पड़ा सूख जाएगा। तो बेटर है जब भी आप करो इसे उल्टा रख दो या इसका ढक्कन बंद कर दो। आईलैशेस, आईलैशेस को हाथ में पकड़ा, इट्स नॉर्मल वन, नॉट द थिकर वन। इसके ऊपर आपने ग्लू लगाया, और इसे आईलाइनर जहां आपने लगाया है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ग्लू 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है, 2 मिनट में आप लोग जानते हो ये ड्राई हो जाता है। जब तक ये ड्राई होता है हम इसे फिनिशिंग स्प्रे के साथ आईज़ को क्लीन कर रहे हैं। डू यू हैव शिमर पाउडर? शिमर पाउडर स्किन कलर एंड गोल्ड। शिमर पाउडर में हमारे पास 3 कलर हैं, येलो, गोल्डन एंड पिंक। आप तीनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, अगर सिल्वर के साथ यूज कर रहे हो एज इट इज सिल्वर, अगर गोल्ड के साथ यूज कर रहे हो एज इट इज गोल्ड, और अगर पिंकिश टोन देनी है तो आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ढक्कन, इसे हम वाटर से पहले मिक्स करेंगे। आपका वेट स्पॉन्ज होना चाहिए और स्पॉन्ज में आपने पहले इसे एक जगह मिक्स कर लिया कि आपको कौन सा शेड चाहिए,
चीक्स को हाईलाइट करने के लिए। हाँ आप बंद रखिए आइस। चीक्स को आपने हाईलाइट किया वेट लुक देने के लिए। एक ग्लासी और वेट लुक जब देना होता है तो शिमर पाउडर्स को मिक्स करके वेट स्पॉन्ज के साथ आप यूज कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल चाहिए तो आप इसे ड्राई भी यूज कर सकते हैं। नोज हाइलाइटर में यूज कर सकते हैं, फोरहेड, टी जोन्स जो हमारे फेस के होते हैं वहां हमें हाइलाइटर लगाना है, चिन एरिया, नोज एंड चीक्स। अब हम आते हैं अगेन डीप ब्लशर, ब्लशर दे दो। गोल्ड कलर ऑन द चीक्स जहां हमने शिमर लगाया था। इट हैज द गोल्ड कलर। नाउ पिंक टोन। पॉलिशिंग ब्रश निशांत। पॉलिशिंग ब्रश से एक्स्ट्रा ब्लशर आप क्लीन कर सकते हैं। अब आते हैं हम हाइलाइटर, हाइलाइटर दीजिए। हाँ आईज के लिए उससे पहले एक स्पार्कलिंग शेडो। इसका नंबर क्या है निशान जी? 152 नंबर स्पार्कलिंग शाइनर। इसे आपने आई बॉल पे लगाना है। अब जब वहां जहां आपने लैशेस लगी है, I need 5 minutes. Yeah. जहां आपने लैशेस लगाई हैं उसके ऊपर आप एक लाइन और लगाओगे। जनरली क्या होता है कि जब आप नीचे लाइनर नहीं लगाते और ऊपर लैशेस लगाते हैं जो उसके कट्स होते हैं वो अलग से दिखते हैं और उसमें आप लाइनर फिल नहीं कर सकते। तो डबल आई लाइनर हमेशा लगाना चाहिए जब लैशेस लगाते हैं। हाइलाइटर दे दीजिए। ब्रश गोल्डन हाइलाइटर, लिपस्टिक्स निकाल लीजिए निशांत। अब जो जेल हमने लगाया था आईज के ऊपर वो ड्राई हो चुका है, आईज के अंदर लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि मॉडल को कोई इरिटेशन नहीं हो रही है काजल लगाने में। मैं आईज के अंदर भी ब्रश लगा रही हूँ और अगर आईज में पानी भी आ रहा है तो वो फैलेगा नहीं। जनरली क्या होता है, हम लोग काजल लगाते हैं और साथ में एक टिश्यू पेपर रखते हैं पानी ना आ जाए, पानी ना आ जाए। इसमें अगर पानी भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिपस्टिक ब्रश
कौन सी लगानी है? लिपस्टिक, लिप्स बंद रखिए। वी हैव मोर देन 100 कलर्स इन लिपस्टिक्स। शाइनिंग पाउडर, अगेन जो हमने आईज बॉल के ऊपर शाइनिंग पाउडर दिया है उसे आप लिप्स पे दे सकते हैं। यस मैम, आपका बिंदी मस्कारा है? डू वी हैव मस्कारा? जेल लाइनर को एज ए मस्कारा भी, अभी हमने जो जेल लाइनर लगाया एज ए काजल यूज किया, एज ए लाइनर एज ए मस्कारा भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बंद करो, क्योंकि अगर वो हमारी ब्राइड है और उसे हमने बिल्कुल ऐसा मेकअप देना है कि वो रोए भी तो फैले ना, तो हम उसकी जगह उसे जेल लाइनर से मस्कारा बना सकते हैं। जेल लगाने के बाद आप ब्रश लोगे और इसे स्मज करोगे। सो दिस इज द इवनिंग ब्राइड। Hello, check. Hello. Very good afternoon. And this is the makeup done by Mrs. Nirmal Randhawa. She is the brand ambassador of C2P Professional Makeup. I think so. Only one beautician in entire India in any company have given a brand. And she is running their academy, NR School of Beauty Academy. और मैं आपको थोड़ा सा C2P प्रोफेशनल मेकअप के बारे में बताना चाहूंगा। वी आर द फर्स्ट एशियन मैन्युफैक्चरर, हम पहले एशियन मैन्युफैक्चरर है जिसकी R&D 100% अकॉर्डिंग टू इंडियन स्किन है। नंबर टू, एयर ब्रश मेकअप, वी कैन मेक एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नंबर थ्री, आपका जितना भी ये एयर ब्रश है इसकी एक साल की गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। मशीन आपको बदल के दी जाएगी यदि आप कोई भी मशीन की परचेजिंग की कमिटमेंट करता है। मशीन का यूज़ करने के दौरान यदि आपका मटेरियल मशीन के अंदर सूख जाता है तो आप कंपनी को मशीन वापसी कर सकते हैं और कंपनी इसके बदले आपको दूसरी मशीन देगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। वी हैव द एकेडमी NR स्कूल ऑफ ब्यूटी, जिसके ब्रोशर C2P के काउंटर पे पड़े हैं, आप लोग ले सकते हो किसी भी कोर्स की इंक्वायरी के लिए। और 2 डेज का एयर ब्रश का कोर्स होता है जिसमें आपकी मशीन की गारंटी वारंटी दी जाती है और अकॉर्डिंग टू यू आप जितने शेड मांगते हो एट ए टाइम बनाकर दिए जाते हैं। म्यूजिक प्लीज, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नॉट कम अप ऑन द स्टेज फर्दर, यू कैन कम हियर दिस टाइम, जस्ट लीव दिस स्पेस एम्प्टी।